सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सीमा और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीमा ब्लॉग्स में। होप्स हो आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं एकदम मस्त हूँ। तो दगड़ियो, नए दिन के नई शुरुआत के साथ आज फिर से आपके सामने अपना नया ब्लॉग लेके आ रही हूँ और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 10:30 बजे से। तो दगड़ियो, मॉर्निंग के जितने भी काम होते हैं झाड़ू पोछा वाले वो सब कुछ निपट चुका है और मेरा नहाना धोना भी हो चुका है और स्कूल जाने वाले स्कूल भी चले गए हैं। आज इसको घर पे ही है। और दोस्तों, बाहर का मौसम काफ़ी ठंडा वाला हो गया है, आपको बादल गरजने की आवाज़ आ रही होगी। बाहर में बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो चुकी है। आजकल लगातार इतना अच्छा मौसम हो रहा था, धूप वाला और गर्मी का एहसास हो रहा था, बट आज मौसम इतना ठंडा वाला हो गया है, बारिश आ रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं इतने ठंडे में भी नहा गई क्योंकि बाहर पे बारिश हो रही थी और ठंडा भी बहुत था, तो मैं इतने ठंडे में नहा गई। बहुत हिम्मत चाहिए थी ठंडे में नहाने का, खासकर मुंशारी में इतने ठंड में नहाने के लिए तो हिम्मत ही चाहिए। तो दगड़ियों, मैं इसलिए नहाई हूँ इतने ठंडे में क्योंकि मुझे जाना है आज शादी में। शादी में कहाँ जाना है वो सब कुछ आपको मैं बताती हूँ। तो दगड़ियों, मैं शादी में जा रही हूँ मटेना। आप लोगों ने मेरा मटेना वाला ब्लॉग भी देखा होगा। मटेरा में मेरी फ्रेंड रहती है, तो मेरी फ्रेंड की जो ननद है उनकी शादी है, तो हमें वहाँ इनवाइट है, तो मैं जा रही हूँ आज मटेना। मेरी फ्रेंड की ननद की शादी जहाँ से आ रही है वो है मेरा ननिहाल। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा ननिहाल बला में है, तो दोस्तों बला से मटेना गांव में आ रही है शादी। तो मम्मी लोग जा रहे हैं बला वाली शादी में और मैं जाऊँगी मटेरा वाली शादी में, यानी कि मम्मी लोग लड़के वाले की तरफ से जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ लड़की वाले की तरफ से। तो दोस्तों, मेरे ननिहाल शादी आने वाली है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, सब जान पहचान वाले आएंगे तो अच्छा ही लगता है। अपने नया ननिहाल की शादी अच्छा ही लगता है। वहाँ का मौसम इतना खतरनाक वाला हो गया है, मैं आपको एक बार वहाँ का मौसम बता सकती हूँ। क्यों देखो, गर्मी में भी जाड़ों वाला मौसम हो गया है। तो देखो, ओले कितने खतरनाक वाले गिर रहे थे बड़े बड़े, और बारिश बहुत ही ज़्यादा हो गई है। और मम्मी ने सामने फूल धोने के लिए डाल दिया है, मतलब इसमें जो मिट्टी उट्टी लगी होगी तो पानी बारिश के पानी से साफ़ हो जाएगा, इसलिए मम्मी ने रखा हुआ है। और देखो, और दोस्तों, हमारे आंगन में फिर से पानी आके रुक चुका है। तो दोस्तों, आज का मौसम बाबरे बहुत ही ख़तरनाक वाला हो गया है, आप देख सकते हैं। ये अब पता नहीं मौसम अच्छा होगा या नहीं होगा, कुछ कह नहीं सकते हैं, काफ़ी ठंडा वाला मौसम हो गया है। बाहर का मौसम मैंने आपको दिखा दिया है, मैं कुछ कह नहीं सकती उस मौसम के बारे में। आप देख सकते हो कितनी तेज़ बारिश हो रही है और जिनके घर में शादी हो रही है उन बेचारे को तो बहुत टेंशन हो रही होगी कि शादी के दिन ऐसा ना हो, और हर कोई चाहता है कि अपनी शादी अच्छी हो और मौसम अच्छा हो, मौसम साथ दे, बट आज मौसम साथ ही नहीं दे रहा है। इतनी तेज़ बारिश तो हो ही रही है, ऊपर से ओले भी गिर रहे हैं। तो दगड़ियों, देखते हैं क्या होता है सीन। तो मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, अभी मैं थोड़ा घर घर का काम निपटा लेती हूँ, खाना वाना बना के खा के जाएंगे हम लोग, तो मैं फटाफट खाना बनाने की तैयारी कर दूँ। कुछ तो दोस्तों, अभी लगभग 1 बज चुके हैं और मेरा खाना भी बन चुका है और मैंने हल्की फुल्की पैकिंग भी कर ली है, और अभी थोड़ी देर में पापा आते हैं तो खाना वाना खाते हैं, फिर उसके बाद रेडी भी हो जाएंगे। तो मैं आपको सीधे अभी रेडी वेडी होने के बाद मिलती हूँ। ठीक चू, तो दगड़ियों, मैं आपको सीधे अभी 2:30 बजे मिल रही हूँ, और अभी मैंने अपना जो चेहरे का थोड़ा सा मेकअप वगैरह होता है वो कर लिया है और कपड़े पहनना बाकी रह गया है। तो 3 बजने वाले हैं, गाड़ी की टाइमिंग 3 बजे है, ड्राइवर का कॉल भी आ गया है कि 3 बजे तक रोड पे पहुँच जाना। तो दगड़ियों, फटाफट से मैं कपड़े पहन लेती हूँ। सबसे पहले मैं अपना मेकअप का बॉक्स मैं अपने बैग में डाल रही हूँ। ठीक चू, तो दगड़ियों, ये रहा मेरा मेकअप का बॉक्स, इसमें सारा मेरा मेकअप का सामान है, तो सबसे ज़रूरी तो यही होता है, तो मैं इसको पहले बैग में डालती हूँ। यहाँ पे है मेरा बैग, ये मेरा बैग है, ये मम्मी लोगों का बैग है, तो मैंने दोनों बैग रेडी कर लिए हैं। तो फटाफट से इसको इसमें डालते हैं। सो गाइज, मैंने बैग में डाल दिया है मेकअप का सामान, अब मैं फटाफट से कपड़े डाल लेती हूँ क्योंकि मेकअप करने में ज़्यादा टाइम लगता है, कपड़े पहनने में तो फटाफट हो ही जाता है। तो मेकअप हो गया है मेरा और अब कपड़े पहनते हैं और फटाफट से चलते हैं आज अपनी फ्रेंड के घर गांव की तरफ। ठीक चू, और आप मेरे ब्लॉग के साथ ऐसे बने रहिए, आपको आज से 1-2 दिन गांव के ब्लॉग देखने को मिलेंगे, बट ब्लॉग कब आएगा ये पता नहीं क्योंकि शादी में बिजी हो जाऊंगी मैं, और ऐसे शादी के बीच में मैं एडिटिंग नहीं कर सकती, टाइम भी नहीं मिलेगा एडिट करने का। और फिर पता ही है आप लोगों को, शादी में इंजॉय करते हैं तो सब कुछ भूलना ही आ जाता है। तो दगड़े, फटाफट से कपड़े पहनती हूँ और आपको मिलती थोड़ी देर में कपड़े पहनने के बाद। तो दगड़े, कपड़े अपने भी पहन लिए हैं और गाड़ी वाले का फोन आ रहा है, बट जो मेरे साथ वाले हैं अभी रेडी नहीं हुए हैं, तो पता नहीं क्या रहता है, कब तक निकलते हैं कुछ पता नहीं है। 3 तो बज चुके हैं और मैं बिल्कुल रेडी भी हो चुकी हूँ। मौसम भी बाहर पे कभी बारिश हो रही है कभी रुक रही है, तो मौसम का भी सीन खराब ही है आज। तो दगड़ियों, अभी आपको सीधे मैं जब यहाँ से निकलूंगी तब मिलती हूँ। ठीक चू, तो दोस्तों निकलते हैं अब घर से, मैंने बैग वैग भी टांग लिया है, आप देख सकते हैं ये।
तो मैं घर से आके गाड़ी में बैठ चुकी हूँ और मेरे साथ में दया भी, तो हम दोनों जा रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं मटेना गांव में, गाड़ी से अभी जस्ट उतरे ही हैं, अब हमें जाना है ऊपर पैदल मार्ग। और दोस्तों मैंने रास्ते का आपको नहीं दिखाया क्योंकि आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग में भी पूरा देखा है, जब मैं पहले आई थी यहाँ मटेना गांव में तो आपको मैंने पहले बहुत अच्छे से यहाँ की ब्लॉगिंग की है। तो आज दोस्तों मैंने आपको रास्ते का नहीं दिखाया, तो अभी हम चलते हैं पैदल रास्ता। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं गाँव के लिए और ये है पैदल रास्ता, देख सकते हैं गांव का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। और हमारे साथ वाले आगे पे हैं और तो मेरी हालत ख़राब क्योंकि इतने चलने की आदत है नहीं, तो थोड़ा भी चलते हैं तो सांस फूल जाती है, ऊपर से हम हुए मोटे इस वजह से भी ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों हरे भरे खेतों के बीच से चलने में जो मज़ा आ रहा है, जो आनंद आ रहा है, वो बता ही नहीं सकती आप लोगों को। और यहाँ आप देख सकते हैं ये है गेहूं के बालियां, तो अभी यहाँ पे गेहूं की खेती हो रही, तो आप देख सकते हैं। और दगरियो यहाँ पे सारे आलू बोए गए हैं और नीचे पे है गेहूं, तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ से जाना है आगे को, काफ़ी ऊपर है उनका घर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। चुके हैं शादी वाले घर में और आपको पीछे से गाने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अंदर बिठाया गया और उसके बाद हमें यहाँ पे टीका दिया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमें टीका दिया गया है। तो यहाँ पे दयादी है और ये भी हमारी दीदी है, तो हमारे साथ आई है, तो वो दयादी अभी टीका लगा रही है। तो आप ये देख सकते हैं ये है तिल और गुड़, हमारे वहाँ शादी में सबसे ज्यादा यही दिया जाता है। सो गाइस हमारे वहाँ मिठाई के बदले तिल गुड़ और चावल और सूखा जो नारियल होता है उसको मिक्स करके मिठाई के तौर पर यही दिया जाता है, उसको शगुन भी माना जाता है। देखो यहाँ पे शीशा में देख देख के ठीका लगा रही है। मैंने भी ले लिया है तिल और गुड़, आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं आप, तो मैं भी खाती हूँ अभी तिल और गुड़। गाड़ियों अभी लगभग 7 बज चुके हैं शाम के और अभी आई मैं अपने फ्रेंड के रूम पे, मैंने आज आपको अपने फ्रेंड से नहीं मिलाया था, तो अभी आपको मैं उनसे मिला दूँ। ठीक, चुप, इसका फोन और बज गया सुना सुना सा टोन लग रहा होगा आपको। ये है मेरी फ्रेंड, इससे आपने इसको आपने पहले भी देखा होगा मेरे ब्लॉग में जब मैं मटेना आई थी उस टाइम पे, तो ये है तो हाय तो बोल दे। हाय, तो ये है कब्बू और आज इसी की ननद की शादी है, तो इसकी ननद की शादी में आई हूँ मैं, तो कैसा लग रहा था मैं सर मार ये हुआ नहीं बोलेगे कल तैयार होके, तो बोलेगे अभी इमोशनल हो रही ना, वो बहुत रो रही है आगे सुबह से, तो जब वो कल तैयार व्यार हो जाएगी तब मिलाते हैं आपको, ठीक है? तब तक आपको बाहर का एक बार नज़ारे दिखाते हैं बाहर का। ठीक है, आप देख सकते हैं बाहर पे बिल्कुल लाइटिंग वगैरह लगा के और यहाँ पे पटाखे भी लग चुके हैं और पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया है बाहर पे। नीचे पे जा रहे हैं, अभी हम कब्बू के रूम पे आए थे, कुछ काम था इस वजह से, तो अभी हम नीचे जा रहे हैं। गाड़ियों अभी हम फिर से ऊपर वाले रूम पे आ चुके हैं मेरे दोस्त के और अभी मेरे को दुल्हन को रेडी करना है मेहंदी के फंक्शन के लिए, तो आप देख सकते हैं सामने पे उसने अपना ड्रेस वगैरह भी निकाल दिया है, तो दगड़ियों अभी मैं उसको रेडी करती हूँ। दगड़ियों ये है हमारी ब्राइडल यानी की दुल्हन है ये हमारी और इसी की शादी होने वाली है। हेलो बोल दो। हेलो, तो कैसा लग रहा है तुम्हें, दुख हो रहा है या फिर खुशी हो रही है? दुख भी और खुशी भी दोनों। अच्छा, वो होता है होता है तो ये है दुल्हन का अभी विदाउट मेकअप वाला लुक, तो इसके बाद आपको जब दुल्हन रेडी हो जाएगी तो उसके बाद दिखाएंगे मेहंदी वाला लुक कैसा है। ठीक चु,
तो दोस्तों ये देखिए हमारी ब्राइडल मेहंदी के लिए रेडी हो चुकी है और मैंने कैसा मेकअप किया है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दगड़ियों मैंने इसको बिल्कुल रेडी कर दिया है, तो आज का लुक कुछ ऐसा है दुल्हन का। तो दगड़ियों अभी हम सभी लोग जा रहे हैं मेहंदी के लिए। तो दगड़ियों अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे दुल्हन को मेहंदी लगा रहे हैं वहाँ पे जा रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं, ठीक चू। तो अगर यहाँ पे है मेहंदी का पूरा सेटअप, तो दुल्हन को यहीं पे मेहंदी लगेगी। अभी यहाँ पे फोटोग्राफी चल रही है दुल्हन की और फोटोग्राफी के बाद फिर लगेगी मेहंदी। फोटोग्राफी चल रही है, उससे पहले मैं आपको वहाँ पे ले चलती हूँ, रसोई में ले चलती हूँ। और वहाँ पे बड़ बक्ची घला होता है हमारे वहाँ मेहंदी वाले दिन, हम बड़ बक्ची घला होता है तो बाड़े और पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो दोस्तों आपको ले चलती हूँ मैं पहाड़ी रसोई में, क्योंकि बाहर पर बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है, हवा चल रही है बहुत तेज। तो पहाड़ी रसोई के अंदर ही यानी कि छोन भीतर ही बड़ बक्ची बनाया जा रहा है। तो दोस्तों चलते हैं वहाँ पर और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अभी बार बक्ची घला हो रहा है, थारी रसोई है उसी के अंदर पे पूड़ी बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये सारे लोगों ने भी छोड़ी छोड़ी ओढ़ के, और हमारे वहाँ की जो वेशभूषा होती है घाघरा चोली वो पहन रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी बाड़े बनाए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेहंदी की रात हमारे यहाँ पूड़ी और बाड़े बनाए जाते हैं, और बाड़े हाथ में बनाए जाते हैं। चुकी है मेहंदी लगाने के लिए, और आप देख सकते हैं तूफान कितना तेज आ रहा है। आप देख सकते हो ऊपर पे बिल्कुल सब कुछ हिल रहा है। तो दगड़ियों यहाँ पे मेहंदी लगना स्टार्ट हो चुका है दुल्हन को। तो आप देख सकते हैं ब्राइडल कितनी प्यारी लग रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेहंदी भी लगना स्टार्ट हो गया है। दगड़ियों यहाँ पे अभी दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगने के बाद फोटोग्राफी चल रही है। दगड़ियों यहाँ पे अभी दुल्हन का डांस चल रहा है।